बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बेटा इस वक्त मैं तुमसे क्या कहूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप और माँ ठीक है ना? हाँ हम लोग ठीक हैं, हमारी चिंता मत करो बेटा। ठीक है बाबूजी, घर आती हूँ फिर बात करते हैं। ठीक है बेटा। मैं मानवता अस्पताल से बोल रही हूँ और यहाँ कई मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक प्रतापपुर में कई जगह मेडिकल कैंप्स भी लगा दिए गए हैं। अब तक 200 लोगों को मानवता अस्पताल में एडमिट किया गया है। इस महामारी की वजह से 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं। जिसमें 9 से 12 साल की कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। जांच से पता चला है कि ये बीमारी कोई अकस्मात घटना नहीं है। डॉक्टर स्नेहा माथुर ने महीनों पहले प्रतापपुर को ये चेतावनी दी थी कि यदि उनके स्वच्छता के तौर तरीकों में बदलाव नहीं आएगा तो ऐसी बीमारियों का होना लगभग तय है। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद इस कहर ने इस गांव को लपेट लिया। हम बस यही आशा करते हैं कि इस दुर्घटना से गांव वाले सीखें। और इस बीमारी की जड़ हमारी आदतों में ही है, और बात सिर्फ बीमारी की नहीं, इसका असर भी बहुत घिनौना हुआ है। परिवार वालों ने अपनों को खोया है, लोगों ने अपनी नौकरियां गवाई हैं, और आमदनी न होने के कारण दरिद्रता का श्राप ना जाने कितने घरों पर पड़ा है। डॉक्टर अवस्थी। स्नेहा कहाँ हो तुम, कब पहुँच रही हो यहाँ? सर मैं बस अभी निकल रही हूँ। ओके ठीक है सर। हुना स्नेहा। जी दीदी बोलिए। हुना तुम बुआ जी के साथ रेडियो पर सबको बताओ स्वच्छ रहना ही इस बीमारी का तोड़ है, और देखो उन्हें डराना मत। जी दीदी।
हमारे पास जो स्वच्छता की पुस्तिका है ना, उसमें से कुछ निकाल कर गाँव की भाषा में लोगों को समझा देंगे। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बाबूजी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। बेटा इस वक्त मैं तुमसे क्या कहूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप और माँ ठीक है ना? हाँ हम लोग ठीक हैं, हमारी चिंता मत करो बेटा। ठीक है बाबूजी, घर आती हूँ फिर बात करते हैं। ठीक है बेटा। हाँ स्नेहा। अर्जुन मैं अभी प्रतापपुर के लिए निकल रही हूँ, वहाँ महामारी फैली है। ओके मैं आता हूँ अभी, तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करता हूँ। नहीं अर्जुन इतना टाइम नहीं है, मैं अभी निकल रही हूँ। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आइए सभी लोग श्रद्धा और भाव से भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर आया हुआ संकट टल जाए और हम इस भयंकर बीमारी से छुटकारा पाएं। हे ईश्वर, हे भोले शंकर, हे परमात्मा, गांव के सभी लोग, डॉक्टर, सहयोग कर्मी, बूढ़े, बच्चे, सभी इस भयंकर बीमारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हे प्रभु, सिर्फ प्रयास ही काफी नहीं है, विनंती और प्रार्थना की भी आवश्यकता है। हम आपकी शरण में हैं, दया के पात्र हैं, हम गांव वालों पर कृपा करिए महात्मा, हमें इस बीमारी से छुटकारा दिलाइए, हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए बोले शंकर भगवान की, महाकाल महाराज की, काल भैरव महाराज की, अवंतिका नाथ की, बोले शंकर महादेव की, हर हर महादेव। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله تعالى عليه وسلم। يا میرے اللہ يا میرے غفور الرحیم, اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما, آمین। ہمارے گاؤں کے جتنے بھی باشندے اس مرض کے شکار ہیں ان پر رحم فرما, उनको इस मर्ज में जल्दी से जल्दी शिफा अता फरमा। हम सब गांव वालों को इस बीमारी से बचा। या अल्लाह, तू तो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला है, तू तो गफूरुर रहीम है, तू हम पर रहम फरमा पाक परवरदिगार, तुम हम पे करम फरमा। अल मदद मेरे पाक परवरदिगार, अल मदद। اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك سلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना के जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम सिर्फ आपसे बात नहीं करेंगे बल्कि आज हम आपसे मदद चाहते हैं। दोस्तों गाँव को डॉक्टर दवा के अलावा ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो इलाज के काम में हाथ बटा सकें, मदद कर सकें। इसके लिए आप मानवता अस्पताल सीधे आ सकते हैं या PSC या फिर आंगनवाड़ी केंद्र में आकर सेवादान कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप मदद जरूर कीजिए लेकिन अपना ख्याल भी रखिए। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर कुमार आए, इन बीमारियों के बारे में बताएंगे कि कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर कुमार आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बीमारियां बताकर नहीं आती लेकिन हम सब मिलकर इसे फैलने से जरूर रोक सकते हैं। पानी को सुरक्षित स्रोत से प्राप्त करें, यानी
बावड़ी तालाब का पानी है बीमारी की निशानी। अपने घर आंगन को साफ सुथरा रखें और अपने कपड़े लत्तों को भी भोजन करने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। हमेशा शौच का इस्तेमाल करें। रसोई घर में रखे हुए भोजन को ढककर मक्खियों से बचाएं। और सबसे जरूरी बात, अपने आप को यानी कि अपने बदन को भी हमेशा साफ सुथरा रखें। रहो स्वच्छ, यही है असली कवच। क्यों डॉक्टर साहब? जी दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल फोन्स हैं तो हम लोग आपको कुछ वीडियोस भेज सकते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि हमें बीमारियों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये वीडियोस आपके लिए बीमारियों से निपटने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। या हम ही से बात कर लो, हर समस्या के लिए हम आपको बताएंगे कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है। हर कार्य होगा सफल जब हम मिलकर ढूंढेंगे उसका हल। क्यों बुआ जी? बिल्कुल सही कहा मुन्ना। दोस्तों, हम हमेशा आपके साथ हैं, आपकी सेवा में हैं। आप हमें कभी भी फोन कर सकते हैं। और हाँ, एक खास बात, अब हमारा रेडियो कुछ दिन तक 24 घंटे चालू रहेगा। आप हमें कभी भी फोन करिए। बुआ जी और मुन्ना लेंगे सबकी खैर, सच से अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर, anytime, anywhere। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जगह जगह पर मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं। सरकार के अलावा कई अन्य संस्थाएं हैं जो इन मरीजों के इलाज में जुटी हुई हैं। बीमारी पर तो नियंत्रण है, पर उसके साथ साथ कई ऐसे सवाल हैं जो सामने उभर कर आ रहे हैं। आखिर इस हद तक इस महामारी के फैलने के क्या कारण थे? स्नेहा, डॉक्टर अवस्थी, मैं सीधे कैंप की तरफ जा रही हूँ, फिर मानवता अस्पताल आऊंगी। कोई बात नहीं स्नेहा, तुम वापस आ गई हो, अब बस मुझे इत्मीनान हो गया। जी सर, थैंक यू। सब कुछ खत्म हो चला, इनकी नौकरी चली गई, हम तो बस सड़क पर आ गए। नहीं बुला, तुम चिंता मत करो, हमने सरपंच जी के साथ सरकार में अर्जी दी है इनके खोए वेतन की भरपाई के लिए। ये सब कैसे हो गया दीदी? हम जांच कर रहे हैं, बस तुम हिम्मत और भरोसा रखो। हमारे पति बहुत जल्द ठीक होकर घर लौटेंगे। मैं ख्याल रखूं। स्थिति अब नियंत्रण में है, लोग बहुत घबराए हुए हैं। बहुत बड़ा खतरा टल गया है जी, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? देखिए, हमने पूरे इलाके में इस तरह के बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं, साथ ही सबको ORS भी दिया है। ORS? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये एक जीवन रक्षक घोल है जो शरीर से खोई नमी को वापस लौटाता है, लेकिन इसे बासी नहीं होने देना है, यानी कि इसे तैयार किए जाने के 24 घंटे के अंदर इसका इस्तेमाल करना होता है। तो ये ORS आप सभी को मुफ्त में दे रहे हैं? जी हाँ, साथ ही सबको ये भी समझा दिया है कि इसे घर पे भी बनाया जा सकता है।
पानी को उबालने के बाद उसे ठंडा करके उसमें थोड़ी चीनी और चुटकी भर नमक मिलाना होता है। आइए मेरे साथ। हम ये पता कर रहे हैं कि गांव में और कहां कहां पर पानी दूषित हुआ है, जैसे कि तालाब, बावड़ी, कुएं इत्यादि के पानी को हमने जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट्स आते ही हम ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन इस पानी का इस्तेमाल तो गांव वाले करते हैं, रसोई में भी और नहाने धोने में भी, क्या ये खतरनाक नहीं? जी हाँ, इसीलिए हम लोगों के घरों में क्लोरीन की गोलियां पहुंचा रहे हैं ताकि वो अपने घर के पानी का शुद्धिकरण कर सके। साथ ही उन्हें ये भी समझा रहे हैं कि पीने के पानी को पहले उबालना बहुत जरूरी है। और क्या क्या कदम उठाए हैं आप सबने? देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी जड़ है खुले में शौच, इसे तो बंद करना ही, इसीलिए हम लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ ठोस कदम उठा रहे हैं, और जिनके घरों में शौचालय नहीं है वो सार्वजनिक शौचालय, स्कूल, चिकित्सा केंद्र, आंगनवाड़ी इत्यादि के टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और सवाल। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे और भी कुछ जरूरी काम है। डॉक्टर स्नेहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर स्नेहा ने इस महामारी के बारे में हमें सारी जानकारी दी और ये भी बताया कि हम इस महामारी से कैसे बच सकते हैं। कमाल हो गया बाबा। और बाबा ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर ये बीमारी तो हमारे लिए अल्लाह दिन का चिराग साबित होती जा रही है। अपनी तो पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाई में है। भाई इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है दिगंबर, ये तो अच्छी बात है ना। भाई हथियार बेचने वाला क्या चाहेगा कि कहीं ना कहीं जंग छिड़ी रहे, और मेरे जैसा जड़ी बूटी बेचने वाला कि बीमारी बढ़ती रहे। लेकिन तुम्हारा दुगना फायदा है दिगंबर, तुम्हें तो मुझे कमीशन देना चाहिए। वो किस बात के लिए बाबा? अरे एक तो बेचारे वैसे ही गरीब इंसान बीमारी देख के और घबरा जाते हैं, और दवाई के लिए कर्जा पानी लेने जाएंगे तुम्हारे पास। वो तो है। अरे गरीब आदमी वैसे ही काम धंधा नहीं कर पाता, जो छोटी मोटी नौकरी होती है वो भी छूट जाती है, और खाने पीने के पड़ जाते हैं लाले, और फिर उनको लेने पड़ते हैं और कर्जे, वो भी तुमसे। बहुत बड़ा चक्रव्यूह है दिगंबर, ये चक्रव्यूह हमें अरबपति बनाएगा, अरबपति। अरे बाबा जी, आप तो वैसे भी गांव के सबसे अमीर आसामी हैं। होगा, लेकिन हमें इसमें सबर नहीं है। भाई माना के पैसे में बहुत शक्ति है, लेकिन पैसे के साथ साथ अगर सत्ता भी होना तो सोने पे सुहागा। लगता है बाबा विनोदी जी की सरपंच बनने वाली बात आपको जच गई है। अगला वही कदम होगा हमारा दिगंबर, वही कदम। हमारा? लालची हूं, बेवकूफ नहीं हूं। पॉलिटिक्स का ईंधन होता है पैसा, पैसा, और नेता को चाहिए होती है सपोर्ट, और ये दोनों चीज हम आपको दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको काम जमीनी स्तर पर शुरू करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है बाबा कि जिन अपराधी लौंडों को आपने गांव से बाहर निकलवाया है ना, उन्हें फौरन वापस बुलवा लीजिए। क्यों? आपने ध्यान नहीं दिया, गांव में खुले में शौच करने वालों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही, और गांव में जो अपवित्र जमीनें थी वो महंगी होती जा रही है। हमारे मुंह की बात छीनी है दिगंबर तुमने। एक बात और कहूं? बेझिझक बोलिए। ये जो डॉक्टर स्नेहा माथुर है ना, हमारी हार जीत का नाप तोल यही है। ये जो गांव में बदलाव ला रही है ना, उस बदलाव से हमारे जैसों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए जमीन पर कब्जा नहीं करना, उस डॉक्टर स्नेहा माथुर पर कब्जा करना। डॉक्टर स्नेहा माथुर से कितनी नफरत करते हैं हम कि उसे खत्म करने में अगर हम खुद भी मिट जाएं तो हमें बिल्कुल दुख नहीं होगा। बाबा जी, कहीं आप उसे जान से तो मारने की नहीं सोच रहे? जान से? उसमें क्या मजा है दिगंबर।
आज हमारे प्रतापपुर वालों ने एक बहुत ही महान सच्चाई को न सिर्फ देखा बल्कि महसूस भी किया, और वो सच्चाई ये है कि बीमारी का ना कोई धर्म होता है ना मजहब। ये वो तलवार है जो सिर्फ काटना जानती है। छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सबके लिए वही कातिलाना रवैया अपनाती है। इससे कोई नहीं बच सकता, ये किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन एक सच्चाई और है जिसे जानना समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि दुआ और दवा, इनका भी कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता। सबके ऊपर इनका असर एक सा होता है, क्योंकि असली धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत ही है। हम जब साथ हो तो कल को आज कर सकते हैं, हम जब साथ हो तो लहरों में गीत भर सकते हैं, हम ये भी हम वो भी हम कुछ भी कर सकते हैं। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। Thank you.